यहाँ पर दोस्तों जो समझने वाली बात है वो, जैसे आप जब आप धान की रोपाई करते हैं या किसी फसल की बुआई करते हैं, तो उस टाइम पर जो आपको उर्वरक देना रहता है वो मिट्टी में सीधे देने रहते हैं, जो दानेदार उर्वरक मिट्टी में देने के लिए मार्केट में आते हैं उनको ही देना है। उनको देने से फायदा ये मिलता है कि वो लंबे समय तक जो आपने किसी फसल को लगाया, जैसे धान की फसल का समय चल रहा है, तो धान की फसल की जब आप रोपाई करते हैं उस टाइम पर यदि आप देते हैं, तो वो लंबे समय तक आपके पौधे को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो मिलते रहते हैं। अब जब आपने एक बार डाल दिया तो बार बार आपको खेत में फिर से उर्वरक डालने की क्यों जरूरत होती है, जब लंबे समय तक काम करते हैं, बार बार आपको स्प्रे करने की जरूरत क्यों होती है? तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपको दोबारा उर्वरकों को देना क्यों पड़ता है। देखिए, जब आपने रोपाई किया तो रोपाई के बाद लगभग 7 से 8 दिन में तो जड़ मजबूत होती है, नई जड़ों का विकास होता है। 10 से 15 दिन के बाद जो है पौधा ग्रोथ करना चालू होता है, और 18 से 20 दिन के बाद उसमें नए कल्ले निकलना चालू होते हैं। तब तक जड़ का अच्छी तरह से विकास हो चुका होता है, और तब जो है मिट्टी से जो आपने उर्वरकों को दिया है वो पौधा लेना चालू होता है। यहीं पर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो पौधे में लगभग 15 दिन या 20 दिन पर लगभग खत्म सी हो चुकी होती है, बहुत कम अवशेष मात्रा में बचती है, जिसका असर आपके पौधे पर दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को आपको फिर से दोबारा देना पड़ता है, जबकि जो फास्फोरस और पोटास और जिंक जैसे तत्व तो आपने दिया है वो अब भी पौधे को आसानी से मिलते रहते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक पौधे में इन तत्वों की पूर्ति किया करते हैं, वो इतनी जल्दी समाप्त तो नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है, जिससे आपको दोबारा नाइट्रोजन देना पड़ जाता है। तो जब 15 से 20 दिन का टाइम या इसके ऊपर, जैसे 20 दिन का टाइम हुआ, 25 दिन का टाइम हुआ, तो इस टाइम पर आपको दोबारा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करना पड़ता है। अब यूरिया की मात्रा उस टाइम पर पौधे को इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि उस टाइम पर पौधे में नए कल्लों का विकास होना चालू होता है, नए कल्ले निकलना चालू होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि यदि आपके मिट्टी में पहले से फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्व हैं तो वो पौधे को आसानी से मिलते रहते हैं, जिससे अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ हल्की मिट्टी वाले खेत हैं, कुछ ऐसे खेत हैं जहाँ पर लिंचिंग की समस्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर पोटाश और फास्फोरस जैसे तत्वों की भी कमी देखी गई है। तो ऐसी जगह पर आपको दोबारा तो नहीं हम कहेंगे कि आपको फिर से इसी डोज में डालना चाहिए, लेकिन ये काम यदि ऐसी समस्या आपके वहाँ लिंचिंग की है, तो जो दोबारा आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में 40 से 45 दिन पर उर्वरक देते हैं उस समय पर तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो में पहले से बताया भी है। दूसरी जो मुख्य चीज़ें हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यदि आपने शुरुआत में जिंक नहीं दिया या कोई ऐसे तत्व नहीं दिए हैं, तो उसके भी कमी के लक्षण इस टाइम पर दिखाई देना चालू हो जाते हैं, जिसका सीधे सीधे कारण रहता है ये कांतिक अवस्था होती है। और इस कांतिक अवस्था में पौधे में कल्लों का विकास, जड़ों का विकास, पौधे की ग्रोथ आदि होना चालू होती है। तो ऐसे टाइम पर जो पोषक तत्व हैं वो अधिक मात्रा में जरूरत होती है हमारे पौधे को, और यदि हम उस टाइम पर एक्स्ट्रा डोज नहीं देते, यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में या किसी भी तरह से उर्वरकों को पूरा नहीं करते हैं, तो पौधे में उस पोषक तत्व की कमी आ जाती है, जैसे पौधे ग्रोथ करना कम कर देते हैं, रुक जाते हैं, विकास बाधित हो जाता है, रोग बीमारियां भी अधिक आ जाती हैं। तो इसलिए जो पहली टॉप ड्रेसिंग आपको करनी हो 20 से 25 दिन पर करनी जरूरी होती है, क्योंकि उस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ने चालू हो जाती है, और दूसरे पौधे को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता भी होती है, क्योंकि पौधे में यदि हरापन कम होगा तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो आसानी से नहीं बना पाएंगे, जिससे पौधे का जो विकास अच्छी तरह से होना चाहिए था वो नहीं होता, यानी वो प्रभावित होता है, जिससे पौधे में इतने अच्छे फुटाव नहीं होते हैं और पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। तो इसलिए इस टाइम पर नाइट्रोजन देना है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति करना है तो कैसे करना है? देखिए, दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं। एक तो आप सीधे टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग में क्या है कि जो आपको उर्वरक देनी रहती है वो ज़्यादा मात्रा में देनी रहती है, जिससे आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने में उर्वरकों का खर्चा तो बहुत कम आता है, लेकिन लेबर का खर्चा
बढ़ जाता है। तो दोनों को यदि हम मिला करके बात करें तो लगभग आपका खर्चा समान बैठेगा, खर्चे में आपको किसी तरह का अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्प्रे करने में खर्चा है वो कुछ इस तरह से बच सकता है, जैसे आपने टॉप ड्रेसिंग तो कर दिया, टॉप ड्रेसिंग के बाद यदि आप किसी कीटनाशक का, किसी फफूंदनाशक का, किसी ग्रोथ प्रमोटर का या कुछ ऐसी दवाओं को स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको स्प्रे करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि यदि आपने टॉप ड्रेसिंग के रूप में अलग से लेबर का खर्चा किया और ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का यूज किया, उसके बाद जब आप इन चीज़ों को स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपको तो लेबर का पैसा देना ही पड़ेगा। तो इनको आप स्प्रे करके उसी के साथ मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ी बातें समझने वाली होती हैं कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर आप ले रहे हैं। वैसे नॉर्मली रूप से कोई ग्रोथ प्रमोटर हो आसानी से उर्वरक में मिला करके दिया जा सकता है, स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज जो होती है कि यदि आप कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक देना चाहते हैं तो कीटनाशक और फफूंदनाशक भी आप मिला सकते हैं, बशर्ते कुछ कीटनाशक और कुछ फफूंदनाशक ऐसे आते हैं जिनको आप उर्वरक के साथ या किसी दूसरे के साथ नहीं मिला सकते हैं, तो उसके साथ आपको मिलाना उचित नहीं रहेगा। बाकी आप इन चीजों को एक में मिला करके स्प्रे करेंगे तो आपको जो स्प्रे का खर्चा पड़ रहा है वो अलग से तो नहीं करना पड़ेगा, और जो आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में ज़्यादा मात्रा में कोई उर्वरक देते हैं वो भी आपको नहीं करने पड़ेगी, तो ये आपकी बचत हो जाएगी। यदि आपने स्प्रे किया है और उसके बाद सोच रहे हैं टॉप ड्रेसिंग कर दें, यदि आप टॉप ड्रेसिंग किया और उसके बाद सोचते हैं कि स्प्रे कर दें, तो ऐसा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यदि आपने टॉप ड्रेसिंग किया है उसके बाद भी कर देते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो यही आती है कि आपका पैसा खराब होगा, और उसके साथ फसल को जरूरी नहीं है कि फायदा हो, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि बार बार जो आप अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व देते हैं, नाइट्रोजन आदि की पूर्ति करेंगे तो उससे पौधे को अधिक मात्रा मिलेगी, जिससे पत्तियां झुलस सकती हैं, पौधा जल सकता है या विकास रुक सकता है, प्रभावित हो सकता है अधिक डोज पहुँच गई। तो एक ही तरीका अपनाना है, चाहे आप जो है स्प्रे करें या टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरकों को दें। अब एक चीज़ आती है कि यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहते हैं स्प्रे के रूप में, जो नैनो यूरिया आती है उसको डालना चाहते हैं, तो उसको आप कैसे डालें। हाँ, इसके साथ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा हम समझा देते हैं। यदि आप नाइट्रोजन के रूप में नैनो यूरिया के द्वारा स्प्रे करके पूरा करना चाहते हैं तब भी आपको टॉप ड्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं, बशर्ते जो नैनो यूरिया है उसको देने का थोड़ा आपको तरीका सही से पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है आप किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर मिला करके दे सकते हैं, किसी तरह का कीटनाशक मिला कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसी दूसरी उर्वरकों को नहीं दे सकते हैं जिसमें पहले से ही नाइट्रोजन उपलब्ध है, क्योंकि वो दूसरी तकनीक पर आधारित है और ये दूसरी तकनीक पर आधारित है। क्योंकि नाइट्रोजन तो दोनों में है, लेकिन दोनों में जो तकनीकी और फार्मूले यूज किए गए हैं वो बिल्कुल अलग किए गए हैं। इसलिए जब भी आप ऐसा करें तो आपको इसके साथ किसी भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को साथ में मिला करके स्प्रे नहीं करना, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो 1919 या कोई ऐसी उर्वरक हो जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, तो ऐसा नहीं करना। बाकी आप जब भी स्प्रे करें तब आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरकों को नहीं देना है, लेकिन यदि आप स्प्रे करते हैं तो इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा, स्प्रे आपको 15 दिन के अंतर पर करना पड़ेगा, यानी 15-15 दिन के अंतर पर 4 स्प्रे कम से कम करने पड़ेंगे। लेकिन टॉप ड्रेसिंग यदि आप करते हैं तो 2 या 3 से ही काम चल जाएगा। लंबी अवधि की यदि धान की है तो 5वां स्प्रे भी आपको उर्वरकों का करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपकी लंबी अवधि की है तो 3 बार ही आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरकों का यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा समझना है कि किस टाइम पर किस तत्व की आवश्यकता होगी, उस टाइम पर उस तत्व की पूर्ति के लिए आपको उर्वरकों का स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन जो आप उर्वरक देते हैं सीधे मिट्टी में टॉप ड्रेसिंग के रूप में, वो लंबे समय तक काम करती हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा आपको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो समझ में दोस्तों आसानी से आ चुका होगा कि आप किस तरह से उर्वरकों को यूज करें जिससे पौधे को भी बेहतर लाभ मिले और किसी तरह का नुकसान ना हो, और जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करना चाहते हैं वो भी आपका बच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।